हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे गुप्त सूचना मिली कि गिद्दी थाना अंतर्गत ग्राम खपिया के आसपास के जंगलों में टीपीसी उग्रवादियों का एक दस्ता 2-3 दिनों से देखा जा रहा है। इसी दस्ते ने माह के 2 तारीख को रैलीगढ़ा कोलियरी के कांटा घर के पास फायरिंग की थी तथा ऐसी संभावना थी कि यह दस्ता फिर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे ने CRPF बल के B/22 दल के साथ हजारीबाग छापेमारी दल के विशेष दल तथा गिद्दी थाना को लेकर एक टीम गठित की और टीम ने गिद्दी थाना अंतर्गत ग्राम खपिया के आसपास के जंगलों में सर्च अभियान शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान गांव के बाहर के जंगल में मोबाइल और टॉर्च लाइट में 5 से 6 लोग आपस में बात करते हुए दिखाई दिए और पुलिस आने की आहट सुनकर वे भागने लगे, जिन्हें ऑपरेशन में शामिल जवानों ने रुकने का आदेश दिया लेकिन वे नहीं रुके। इसके बाद 3 लोगों को खदेड़कर पकड़ा गया जबकि 2-3 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मुझे गुप्त सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी जिन लोगों का इस घटना में शामिल होने की बात थी वो लोग खपिया ग्राम के आसपास में इकट्ठा हुए हैं और कुछ हथियार उनके पास होने की भी सूचना थी। तो हम लोगों को अंदेशा था कि हो सकता है दोबारा उसी तरह की घटना को ये लोग अंजाम दे सकते हैं। तो सूचना को सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में हम लोगों ने, चूँकि ये उग्रवादी संगठन है TPC की इसमें बात आ रही थी, तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो 22 बटालियन है CRPF की उनके साथ सहयोग से उनके साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया।